प्रेम प्रसंग के चलते किशोर ने छठीगढ़ में ट्रेन से कटकर अपनी जान गंवा दी। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट में मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच करवाना शुरू कर दी है। वृंदावन कोतवाली अंतर्गत छठीगढ़ में जय चौकी के समीप सोमवार को रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव छत्रछत हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे लोगों ने कपड़े, घड़ी एवं चप्पल के आधार पर मृतक की पहचान की। गांव भरतिया निवासी श्याम के रूप में हुई। सूचना पर इलाका पुलिस एवं जीआरपी के अधिकारी भी पहुंच गई। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक द्वारा एक लड़की से प्रेम संबंध के बारे में जानकारी दी है। लड़की के 3 नामजद परिजन उसकी हत्या कराना चाहते थे, जिससे क्षुब्ध होकर उसने मौत का रास्ता चुना। लड़की के परिजनों पर समझौते के नाम पर 4.5 लाख रुपए लेने का जिक्र भी पत्र में लिखा गया है। परिजनों के अनुसार मृतक की उम्र करीब 15 वर्षीय बताई जा रही है, जबकि आधार कार्ड के हिसाब से करीब 17 वर्ष का है। परिजनों का आरोप है कि किशोर की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद जय चौकी पर रख परिजनों ने नामजद के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन चौकी पर सुनवाई न होने पर परिजनों ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच परिजन भरतिया जैद मार्ग पर शव रख कर जाम लगा रहे हैं, जहां पुलिस ने जाम को बमुश्किल खुलवाया। परिजनों के अनुसार श्याम पिछले कई वर्षों से गांव के मंदिर में रहता था। इस बीच पुजारी की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। वह दोनों शुक्रवार को गांव से चले गए, जिन्हें लड़की परिजनों ने शनिवार को गांव लाकर पंचों के बीच समझौता करा दिया। आरोप है कि समझौते में लड़की पक्ष द्वारा 4.5 लाख रुपए लिए गए। इसके बावजूद भी किशोर के लड़की के परिजनों और भी धमकी दी जा रही थी। इस बारे में कोतवाली प्रभारी शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस मामले में जांच जीआरपी द्वारा की जा रही है। क्या नाम भैया? मेरा नाम शिव सिंह है। ये घटना क्या हुई है जो आपने यहाँ घटना हुई है? सब लोग सर, ये घटना बहुत दिन से चली आ रही है जी। उसने लड़की वाले ने बालाजी का मंदिर बनाया है गांव में जी। तो ये लड़का उस मंदिर पर जाने लग गया जी। तो उस लड़की वाले ने अपनी लड़की को इसके साथ में फरार कर दिया जी। इनके ताऊ जी का बिका था खेत जी। तो वो बोले कि उस खेत में से कुछ दाम आ जाएंगे, लड़की को लेके फरार हो जा। तो ये लड़का लड़की को लेके फरार हो गया। लड़का और लड़की प्रशासन के द्वारा यहाँ जय चौकी में ले आए। वहाँ लाके इन्होंने राजीनामा कर लिया, 4.5 लाख रुपए लड़की वालों को दे दिए और लड़का अपने घर पे आ गया। तो वहाँ आके उन्होंने धमकी दी है लड़के को, घर वाले इनको नहीं दिए, लड़कों को दिए कि आज रात को तुझे ख़त्म कर देंगे। तो ये रात के 12 बजे तक तो साथ में था घर वालों के, उनके उसके बाद में सो गया, घर वाले भी सो गए। तो इसको उठाया गया घर से, तो मार के रेलवे ट्रैक पर पटक के आई। कब की घटना है ये? आज रात की घटना है। रात की घटना? हाँ, 1:30 से 2 बजे के बीच की। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम श्याम सिंह था। कितनी उम्र रही होगी? उम्र 16-17 साल थी। 16-17 साल। तो आपको किस तरह से जानकारी हुई इसकी? आपको कैसे जानकारी हुई? ट्रक वालों ने फोन किया था, अज्ञात नंबर से। तो अभी जेब में पर्ची निकली। 2 बजे से हम इसको ढूंढने लग रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं जो पर्ची में जो नाम लिख के गया है वो लड़का, उनका कोई कार्रवाई चाहिए हमको। सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट मिला है। उन जिन्होंने ये कांड किया उनका नाम भी है उसके जेब से, उसकी जेब से मिला है। मिला है? हाँ। किसने मारा है? जिसने मारा है उनका नाम मिला है जेब में से। जेब में से। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं इनका नाम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपने इसमें कोई पुलिस की तहरीर वगैरह दी? इस तरह से दी थी, किसी ने नहीं ली हमारी। पहले जो राजीनामा हुआ था उसमें पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस नहीं आई? पुलिस तो कुछ नहीं बोली थी। पिछली बार जो राजीनामा हुआ था 4 लाख रुपए देके, क्या क्या भूमिका रही? राजीनामा हो गया, उनमें उसमें कोई भूमिका नहीं थी। पंचों का एहसान वान हो गए, काम खत्म कर दिया। राजीनामा कब हुआ था ये? राजीनामा शुक्रवार या शुक्रवार को हुआ, परसों की बात है। टीकम, क्या घटना रही आपके भाई के साथ में और आज आप कोतवाली आए हैं? किस लिए आए हैं? सर, मेरा भाई 3-4 दिन से गायब है।
लेकिन वो परसों मिल गया और उन्होंने जैत पुलिस चौकी में पकड़ लिया एक लड़की के साथ में। लेकिन उन्होंने राजीनामा के तौर पर 15 लाख रुपए मांगे। जितना भी फैसला हुआ सभी हमारे पापा जी चाचा भी जितने भी उन्होंने किया सब वहीं पर थे। सब ने मिलकर उन्होंने कुछ कम करने के लिए बोला तो राजीनामा 4 लाख 4.5 लाख रुपये में मान्य हुआ है। लेकिन उनमें से 3 लाख रुपये पहुँच गए उनके पास में, जो उन्होंने हमारे जो भाई हैं उनको धमकी भी दी बाद में पहुँचने के। उन्होंने बोला कि अभी भी समय सुधार लो नहीं तो हम इसको सुधार देंगे। और सर कल की डेट में वो लड़का शाम को गायब हो गया और उसको मेरे को भी धमकी दी कि सालों सुधर जाओ, गाली भी दिया माँ बहन की सब कुछ। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना और रात को मेरा भाई गायब हो गया। फिर वो रेलवे ट्रैक पर मिला पड़ा तो यहाँ से मेरे भाई हैं जो गांव के ही हैं उनकी ज़मीन है वहाँ पर, उन पर फ़ोन आया और पता चला कि लड़का किसी गांव का तो नहीं है आपके गाँव। उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि जी हाँ हमारे चाचा का लड़का है वो वहाँ से गायब हो गया। तो सभी हम वहाँ पर गए, सुबह 9 बजे मिला वो। हमने पुलिस चौकी में भी जाके भी बोला कि रिपोर्ट हमारी जो भी है शिकायत वो दर्ज कीजिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर शिकायत नहीं दर्ज की। फिर हम यहाँ पर कोतवाली आए, यहाँ पर भी अभी टाइम लग रहा है, जो भी है पता चलेगा सर जी। तो रेलवे ट्रैक पे जो डेड बॉडी मिली है उसकी जी, क्या नाम था, कितनी उम्र थी? सर उसका नाम श्याम था, 14 से 15 के समथिंग उसकी उम्र थी। तो आपको हत्या की आशंका जता रहे हैं जी? उन्होंने सर खुद धमकी दी थी।